अक्षय कुमार सिंह, सरदार पटेल प्राइवेट लिमिटेड ITI कैलहट चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों और छात्र छात्राओं को नववर्ष 2020 महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कहा है कि शिक्षा के लिए क्षेत्र में अच्छी पहचान BAD कॉलेज व BTC कॉलेज कैलहट के अलावा अन्य जगह है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र को किया संबोधित। आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, कल वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत। बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, हर तबके को मजबूत करने पर हो चर्चा, अधिकतम आर्थिक विषयों पर होगी चर्चा। बजट सत्र से पहले विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, सोनिया राहुल गांधी ने किया प्रदर्शन, विपक्ष ने सीए के खिलाफ उठाई आवाज। तो वहीं दिल्ली चुनाव 2020 में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शहमात का खेल जारी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल को बताया आतंकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को कमजोर करने का प्रयास करार दिया है। बजट सत्र के शुभारंभ के मौके पर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा, परिचर्चा और वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाता है। वहीं विरोध के नाम पर किसी की भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ये दशक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आजादी के 75 साल पूरे होंगे, हमें नए भारत का निर्माण करना है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 साल में इस दशक को भारत का दशक बनाने की नींव रखी जा चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का सपना हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना हो, भारत का संविधान सपनों को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शक है। हमारा संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है। माननीय सदस्यगण, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 3 वर्षों में 1428 अनावश्यक कानून समाप्त किए जा चुके। बजट सत्र की आज शुक्रवार से शुरुआत हो रही है और आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सत्र में अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। वैश्विक आर्थिक स्थितियों में भारत कैसे फायदा उठा सकता है, इस पर भी बहस की जाएगी। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन में पीएम मोदी ने कहा है कि सत्र में अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। वैश्विक आर्थिक स्थितियों में भारत कैसे फायदा उठा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि 2020 का यह पहला बजट सत्र है, इस दशक का भी यह पहला सत्र है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि सत्र में दशक के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाए। कल बजट पेश किया जाएगा। 2020 का ये प्रथम सत्र है, इस दशक का भी यह प्रथम सत्र है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला ये सत्र बना रहे। आज आदरणीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा और कल इस नव नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर देशभर में मचे हंगामे के बीच आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है और सरकार के सामने अपना विजन पेश करने की चुनौती है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को सीए के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद,
समेत विपक्ष के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रहे। विपक्षी नेताओं ने हाथ में संविधान बचाओ की तख्ती ली हुई थी। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने जामिया फायरिंग का जिक्र करते हुए गोली मारना बंद करो के नारे लगाए। संसद परिसर के बाहर मौजूद गांधी मूर्ति पर विपक्ष ने नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार के इस कानून को संविधान विरोधी बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शहमात का खेल जारी है। दिल्ली की चुनावी जंग को फतह करने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग और अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी सांसद ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताया, जिसे लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल को आतंकी कहकर कहीं बीजेपी ने 2015 में उपद्रवी गोत्र वाली गलती तो नहीं दोहरा दी। बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा मंगलवार को मादीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल की तुलना आतंकी से कर दी। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि केजरीवाल जैसे नटवरलाल केजरीवाल जैसे आतंकवादी देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ें या फिर केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़ें। कल शाम को जब घर गया तो मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, रोज शाम को जाके थोड़ी देर उनसे बैठ के पूरे दिन की बात करता हूँ। उनको बहुत दुख हो रहा था। उनका यही कहना था कि उनका बेटा कट्टर देशभक्त है, उनका बेटा आतंकवादी नहीं है। साथ कह रहा हूं, अगर केजरीवाल दोबारा आ गया मादीपुर की सड़कों से मुश्किल हो जाएगा। सारी सड़कों पर ये सारे शाहीन बाग जैसे लोग सारी सड़कों को घेर लेंगे और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को आप घर से निकलने नहीं दोगे, भाऊ बेटियों को निकलने नहीं दोगे, क्योंकि ये इस देश में हो चुका है। ये कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ हो चुका है, क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़े। बढ़ते आगे, यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिनमें ससुराली जनों ने अपने ही दामाद की पहले बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे छत से फेंक मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के कछवा कला गांव का है, जहां के निवासी डालचंद ने अपनी बेटी रेखा की शादी हमीरपुर के ही मजगांव थाना क्षेत्र निवासी सुरेश राजपूत से की थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों में अनबन रहने लगी और रेखा अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। 8 महीने से लगातार अपने मायके में रहने वाली रेखा को मनाने के लिए अपने दोस्त के मनोज के साथ सुरेश यहां पहुंचा और इसी दौरान ससुराली जनों ने उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि दोनों उन्होंने सुरेश को पीटना शुरू कर दिया और उसे छत से फेंक दिया, जिसके बाद सुरेश की मौत हो गई और उसके दोस्त ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। भैया और हमारे मौसी का लड़का भाभी को लेने गए थे, वहाँ पर मारपीट हो गई है। बताने पर हमें ये पता चला कि उनको छत से फेंक दिया गया है। तब हम यहाँ पे आए, लिफा किया झांसी के लिए, बीच में रास्ते में मौत हो गई। हम सुरेश के ससुराल गए थे भाभी को लेने, वो 7-8 महीने से करीब आ नहीं रही घर पे, बच्चे रह रहे हैं, तो क्योंकि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, वो किसान आदमी है, तो किसानी करें या बच्चे सुबह से जाते हैं स्कूल के लिए, उनको रोटी बनानी पड़ती, तो इससे तंग आके वो कह रहे चलो आज भाभी को लेके आते हैं, तो मैं उनके साथ चला गया। मुझे आना था यहाँ, क्या नाम है शहर, वुहान, तो मुझे आज वुहान लिए आना था, तो मैंने उनसे पूछा कितने टाइम तक वापस आ जाएंगे, तो कह रहे 10-11 बजे तक आ जाएंगे। मैंने चलो चलता हूँ, तो हम दोनों वहाँ पहुँचे। जब घर में गए तो मुझे कुछ 2 मिनट बाहर ही बाइक खड़ी करने में लेट हो गया, तब अंदर पहुंचा तो इनकी गाली गलौज हो रही, सुरेश की और उसकी सास की। तो ये गाली गलौज सुन के उनका बुड्ढा ढालचंद वो भी आ गया ससुर, और वो कह रहा सारे को मारो पीटो इसे। तो ये गाली गलौज की बात सुन के गाली दोनों ही लोग दे रहे थे दोनों तरफ से, तो गांव वाले भी आ गए। तो गांव वाले आने के बाद वो मारने पीटने लग गए। ये जरिया थाने में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुरेश नाम का व्यक्ति, जो कि मूलतः मजगवां थाना क्षेत्र का रहने वाला है,
उसकी उसके ससुराल जनों द्वारा हत्या कर दी गई। इस पर जब जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि सुरेश अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल आया हुआ था और वहाँ उसके ससुराल वालों से उसकी कोई नोकझोंक हुई और भागा दौड़ी के क्रम में वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। इस संबंध में थाने पे तहरीर जो दी गई है उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये भी मालूम चला है कि इन लोगों के शादी के बीच। तो वहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सूखे की मार झेलते हमीरपुर जिले में गर्मी के आने के पहले ही पानी के पीने के पानी की समस्या सामने आने लगी है। दरअसल मामला जनपद हमीरपुर के मोधा का है। कस्बे के तहसील प्रांगण में पानी नहीं तो बिल नहीं के नारों का शोर सुनाई देने लगा है। मोधा कस्बे के कुम्हरोड़ा मोहल्ले की महिलाएं अपने हाथों में घड़े लेकर तहसील परिसर पहुंच गई और अपने मोहल्ले में एक साल से पानी नहीं आने को लेकर आक्रोश जताया। महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले में पिछले एक साल से पानी नहीं आ रहा है जबकि बिल बराबर देना पड़ता है। उसके बाद एसडीएम मोधा को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार मोधा को सौंपा गया। एक दिन पहले इसी मोहल्ले की महिलाएं जल संस्थान भी गई थीं और पीने के पानी की समस्या को लेकर आक्रोश जताया था। मोदहा कस्बे की जो पेयजल योजना है वो वैसे जल संस्थान देखता है। वहाँ पे एक साल डेढ़ साल पहले से करीब जो है एक कुम्हरोड़ा मोहाल है उसमें कुछ समस्याएं आई थी। उसका प्रोजेक्ट जलीगम से बना था तो उसका भी पिछले महीने पैसा यहाँ पे प्राप्त हुआ है और उसका टेंडर लगा दिया गया है। ये टेंडर 6 तारीख को खुलेगा। इसमें 100 KL का टैंक है, 16 मीटर की ऊँचाई पर बनेगा, 2857 मीटर पाइपलाइन पड़ेगी और एक नलकूप बनेगा, तो उससे उनकी पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या समस्या है? हमारी पानी की समस्या है क्योंकि हमारे यहाँ पानी को मोटर बनने में पानी नहीं आ रहा है। हम पानी से बहुत ज्यादा परेशान है। बिल बराबर देते हैं, बिल आता हम बराबर बिल भिजवाते हैं, लेकिन इस महीने जो बिल आया है जनवरी हम बिल नहीं दिए, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल पानी देंगे तो बिल देंगे, पानी नहीं देंगे तो हम बिल नहीं देंगे। कब से पानी नहीं आ रहा? 1 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। कल हम आए थे, आज भी आए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे, डीएम हो या तहसीलदार हो, मतलब यही हम सबसे रिक्वेस्ट है कि हमको पानी चाहिए तो चाहिए, अगर बिल लेना हो तो, अगर बिल नहीं लेना और जितना बिल आएगा उतना ही बिल देंगे हम। अगर उस तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।